टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव 360 गाहबे में 7 साल फातिमा घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई। 7 नवंबर को लापता होने वाली फातिमा के वालिद की दरख्वास्त पर थाना रजाना में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ राणा उमर फरूक की हिदायत पर पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच और दीगर हसासदारों के मुलाजमीन ने गाँव में घर घर तलाशी ली, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद 7 साल बच्ची का सुराग नहीं मिल सका। बच्ची न मिलने पर वालदा गम से नडाल है। फातिमा के 2 बहन भाइयों और फातिमा नर्सरी क्लास की तालबा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राणा उमर फरूक का कहना है कि तमाम तरीकों से तफ्तीश की जा रही है, जल्द बच्ची को ढूंढ लेंगे। तशवीश लाक हुई और शाम मगरिब के बाद उन्होंने बच्ची की जब तलाश शुरू की तो उन्होंने कमालिया और दीगर साथ मुंसलिक इलाकों से भी पता बरारी की, लेकिन बच्ची बरामद ना हो सकी। हैप्पी बोलता 360 जिला टोबा टेन हरजाना थाना साड़ी ब्रांच है। मेरी बच्ची 7 तारीख से लापता है। अब 4 तारीख हो चुकी है, अभी तक मेरी बच्ची की कोई तलाश नहीं हो सकी। बरए मेहरबानी मेरी बच्ची को तलाश कराने में हमारी मदद की जाए। अहले इलाका ने पुलिस समेत आला हुकाम से बच्ची की तलाश में मदद की अपील की है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग।